आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक साहित्य सौरभ का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भोला राम का जीव। पहले भी हम इस पाठ के बारे में पढ़ चुके हैं, अपनी पिछली कक्षा में समझ चुके हैं कि व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से हमें चिंतन करने पर मजबूर करने वाली कहानी लिख गए। और जब सार पढ़ा तो कहानी की गूढ़ता समझ आई, समझ आया कि वह आम आदमी की जिंदगी की कठिनाइयाँ, विसंगतियाँ, शोषित होने के कारण को व्यंग की विधा के रूप में हल्के फुल्के मनोरंजन के साथ हमें चिंतन के लिए कहते हैं, क्योंकि उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में कोई गुदगुदी पैदा नहीं करती, बल्कि समाज की सच्चाइयों को, वास्तविकताओं को, जिनसे आम आदमी का दूर होना कठिन ज्ञात होता है। आम आदमी अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन काल में बहुत सारी बातें महसूस करता है, बहुत सारे कष्टों से जूझता है, परंतु इतनी अच्छी तरह से उन्होंने उसके दर्द को उकेरा है, वह हमें इस पाठ को पढ़कर ही ज्ञात होता है। आइए पाठ पढ़ते हैं, भोला राम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। अंग्रेजी का प्रयोग किया है अलॉट शब्द में, और यहाँ भी धर्मराज की बात की गई है कि वह पृथ्वी की तरह अराजकता का राज्य नहीं चलाते और स्वर्ग और नर्क में पृथ्वी की तरह सिफारिश नहीं चलती। कहा जाता है कि मनुष्य जब मृत्यु लोक चला जाता है तो सबसे पहले उनके कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त अपने बही खाते में देखकर करता है, और अच्छे कर्म करने पर स्वर्ग और बुरे कर्मों पर नरक का द्वार दिखाया जाता है। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे, गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वह बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। देखिए, चित्रगुप्त का काम है हिसाब किताब रखना जीवों का, अर्थात आत्माओं का। जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भोला राम का जीव निकला तो था अपनी देह त्याग करके यमदूत के साथ इस लोक में आने के लिए, पर वह
पहुंचा क्यों नहीं? धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? दूत का अर्थ है सेवक। महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? कठिन शब्द है यहाँ पर, बदहवास अर्थात परेशान हाल। उसका कुरूप अर्थात बदसूरत चेहरा, विकृत जो देखने में सुंदर नहीं होता, अगली बोलते हैं हम इंग्लिश में। और आगे देखते हैं कहानी। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। यमदूत खुद आश्चर्यचकित हैरान परेशान है कि वह जैसे ही भोला राम की देह भोला राम के जीव ने त्यागी, वह उसे पकड़ कर इस लोक की यात्रा पर निकला और अनजाने में ही अचानक भोला राम का जीव उसकी पकड़ से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। और पिछले 5 दिनों से वह यमदूत सब तरफ भोला राम के जीव को ढूंढ रहा है, परंतु उसका तो कहीं पता ही नहीं। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। इंद्रजाल ही हो गया का अर्थ है जादू हो गया। दूत स्वयं ही बहुत परेशान है कि उसके सधे हुए हाथों में से किस प्रकार यह जीव फिसल गया और कहाँ रह गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भी बहुत ही हल्के ढंग से
जो हमारी स्थिति है समाज की, कि कोई कुछ वस्तु कहीं भेजता है तो बीच में से ही वह वस्तु उड़ा ली जाती है, अर्थात गायब कर ली जाती है। तो वह पृथ्वी का उदाहरण दे रहा है कि पृथ्वी पर तो ऐसा बहुत होता है। हमारे लोक में, यम लोक में आज कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है। होजरी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं, कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। तो यहाँ पर तो चीजें गायब हो जाना बहुत आम है, अर्थात पृथ्वी पर तो इस तरह की घटनाएं बहुत आम हैं कि नेता अपने स्वार्थ के लिए विरोधी नेताओं को कहीं बंद करवा देते हैं। और चित्रगुप्त ने अपनी आशंका बताई कि कहीं भोला राम के जीव के पीछे भी तो किसी राजनीतिक दल का हाथ तो नहीं है। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, भला भोला राम जैसा नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। नगण्य का अर्थ है जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। वह इतना आम आदमी है, इतना गरीब आदमी है कि किसी को उसके गायब होने से या उसके होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है। धर्मराज ने भी चित्रगुप्त की हंसी उड़ाते हुए उसे कहा कि तुम भी अब बूढ़ा गए हो, तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र आ गई। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। आपको पता ही होगा कि नारद मुनि एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने के लिए, और वह भी अकारण विचरते रहते हैं। तो यहाँ भी नारद मुनि आ पहुँचे। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? अब जब नारद मुनि यहाँ आ पहुंचे तो प्रश्न तो जरूर पूछेंगे, और वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई। इसका अर्थ यह है, लेखक यहाँ भी अपने व्यंग का पुट डालकर कह रहे हैं कि नरक में आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर निवास स्थान अर्थात रहने की जगह कम पड़ रही है। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया। ओवरसियर हैं
जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान मारा पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैसा कटाक्ष लिखा है लेखक ने। बात की जा रही है नर्क की, और नर्क से तुलना किसकी की जा रही है? हमारे धरती लोक की, कि नर्क में भी धरती पर से, पृथ्वी पर से कई गुणी कारीगर आ गए हैं। और उनके गुण क्या हैं? कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर आ गए और बनाई जो इमारतें वो बड़ी ही रद्दी इमारतें हैं, अर्थात उन इमारतों में जान ही नहीं है, क्योंकि जो उसे बनाने के लिए उत्पाद प्रयोग किए गए वह बहुत ही निम्न स्तर के थे, खराब क्वालिटी के थे। और इंजीनियरों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर 5 वर्षीय योजना जो सरकार बनाती है उसमें खूब पैसा खाया। भारत में भी यही होता है। एक रोड बनाया जाता है और फिर कुछ सालों के पश्चात दूसरा इंजीनियर आता है, दूसरा ठेकेदार आता है, वह उन रोडों को पूरी तरह से खोद डालता है और नए सिरे से बनाता है। इस प्रकार कहीं न कहीं कोई न कोई सड़क सदैव ही खुदी पड़ी रहती है। ओवरसियर जो है वह मजदूरों का सुपरवाइजर होता है। वह मजदूरों के झूठे नाम लिख कर उनकी झूठी हाजिरी अर्थात अटेंडेंस लगाकर खूब पैसा कमाता है। और यह मजदूर तो कभी काम पर गए ही नहीं, उनके नाम भी नकली होते हैं। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में भी पृथ्वी जैसी इमारतें बना दी हैं। और फिर धर्मराज ने नारद मुनि को बताया कि इस यमदूत ने सारा ब्रह्मांड छान मारा पर यह आत्मा तो कहीं मिली नहीं। और इस प्रकार अगर आत्माएं गायब हो गईं और उन्हें उनके किए की सजा या इनाम, पुरस्कार या दंड न दिया गया तो फिर दुनिया में से पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इनकम टैक्स की चोरी की हो और वहां पर पृथ्वी पर टैक्स जमा करने वाले ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया हो? चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था, अर्थात एकदम गरीब मनुष्य था, कहाँ से टैक्स भरेगा जब इनकम ही नहीं थी? नारद मुनि बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला
भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घुमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री है, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र 65 साल, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। और इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है, बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक है तो उसे भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको अब उनके परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। चित्रगुप्त हर किसी का पूरा हिसाब किताब रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वह नारद मुनि को बता रहे हैं कि वह एक बहुत छोटे से शहर में टूटे फूटे से मकान में रहने वाला गरीब आदमी था। उसका परिवार, एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की थी। उम्र 65 अर्थात 65 ईयर्स की। भोला राम की सरकारी नौकरी थी, 5 साल पहले चाहता था। और इतने में ही भोला राम ने संसार छोड़ दिया। तो चित्रगुप्त ने नारद मुनि को यह बताया कि उन्हें अब भोला राम के परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। अब नारद मुनि चल पड़े भोला राम को ढूंढने और धर्मराज की मदद करने के इरादे से पृथ्वी लोक। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। जब वह एक घर के बाहर पहुंचे तो अंदर से क्रंदन अर्थात रोने की बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। वह तुरंत पहचान गए कि यही ही भोला राम का मकान है। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। नारद मुनि इसी प्रकार बोलते हैं, भोला राम की लड़की ने उसे देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। उसे लगा कोई भिकमंगा भिक्षा लेने आया है। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। लड़की नारद मुनि को पहचान नहीं पाई तो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि वह अपनी माताजी को बुलाएं, क्योंकि वह भीख मांगने नहीं, भोला राम के बारे में जानकारी प्राप्त करने आए हैं। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? बहुत ही अलग प्रश्न, बहुत ही अजीब प्रश्न पूछा था कि भोला राम को क्या बीमारी थी। यहाँ पर भी आपको व्यंग का रूप
दिखाई दे रहा है। बोलाराम की पत्नी कहने लगी, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। गरीब आदमी आजीवन कठिन परिश्रम करता है इस उम्मीद पर कि एक दिन उसे अपनी मेहनत का फल पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। पेंशन वह मेहनत का फल है जो मनुष्य आजीवन परिश्रम करने के बाद प्राप्त करता है, ऐसा मेहनताना है। तो वह भोलाराम 5 साल से रिटायर थे और वह अपनी पेंशन के प्रतीक्षा में बैठे थे। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता था तो यह आता था कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है, इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे चिंता में घुलते घुलते, और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। भोलाराम की जिंदगी में सारे परिश्रम करने के बाद वह जब अपनी पेंशन की आशा लगाए बैठा था और बार बार इस चीज की अर्जी भेजता था, पर उसे वहां से उस दफ्तर से कोई जवाब ही नहीं आता था, और अगर कभी भूले भटके जवाब आ भी जाता था तो यह आता था कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। और इस प्रकार उन्होंने अपने घर की सभी वस्तुएं बेचकर यह 5 वर्ष बहुत ही कठिनाई से काटे, और आज तो फाके अर्थात भूखे पेट सोने का समय आ चुका था, क्योंकि उनके पास अब बेचने को भी कुछ नहीं बचा था और साथ ही साथ पैसे भी नहीं थे। और इसी दुख में भोला राम ने अपने प्राण त्याग दिए। आज की कक्षा यहीं तक है, अगली कक्षा में इसी पाठ को आगे पढ़ेंगे और